हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। तो आज मेरा टॉपिक है डायरेक्टिंग का, क्विक रिवीजन मेरे को करवाना है आपको। ध्यान से देखिए, एज पर सीबीएसई जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फटाफट से खत्म करेंगे एक सिंगल क्विक रिवीजन के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं सर डायरेक्टिंग की। सो व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज बेसिकली प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पर कौन है? सुपीरियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको लीड करेंगे, ठीक है, और मोटिवेट करेंगे इंडिविजुअल्स को जो कि उनके अंडर का जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। इसके अंदर मेजरली चार एलिमेंट्स आते हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन इज बेसिकली निगरानी रखना। यहाँ पर सुपीरियर मैनेजर ऑपरेशनल लेवल पर निगरानी रखता है, काम एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुपर विजन मतलब क्या? सुपीरियर की निगरानी। ओके, उसके बाद बात करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इज बेसिकली एक स्किल है, एक टीचिंग स्किल कह सकते हो, या मैं बोलूँ एक इंस्पायरिंग स्किल है, मतलब इंस्पायर करने के लिए एक एबिलिटी है मैनेजर की कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है अपने सबोर्डिनेट्स को उनसे ज्यादा काम निकलवाने के लिए। दैट इज लीडरशिप। ओके, इसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज बेसिकली हर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है, हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है उसका अपना कोई पर्सनल मोटिव है, पर्सनल कोई रीजन है जिस वजह से वो काम कर रहा है। किसी का पर्पस है पैसा ज्यादा कमाना है, किसी का पर्पस है प्रमोशन चाहिए, किसी का पर्पस है फर्दर डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, या फिर कोई एक्सपीरियंस लेना है, ट्रेनिंग लेनी है, राइट? तो हर किसी का अपना पर्पस है, उसको आइडेंटिफाई करके इंसेंटिव स्कीम डिजाइन करना, प्रमोशनल क्राइटेरिया सेट करना, देन उनसे एफिशिएंटली काम निकलवाना, ये भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है एंड इट इज कंसिडर्ड एज मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर सेंडर जो है एक मैसेज कन्वे करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है इन द सेम सेंस जिस सेंस में सेंडर ने उसको भेजा था, दैट इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिंग के अंदर, सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन मतलब क्या? मैनेजमेंट ने टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग करी है, टारगेट सेट किए हैं कि हमें एक एक साल बाद इस पोजीशन पर पहुंचना है, एक अच्छे लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना है। उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए जाएंगे, क्वार्टरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, उनको टाइमली अचीव करवाना है। अचीव करवाने के लिए यहाँ पर मैनेजर का रोल है कि वो किस तरीके से सबोर्डिनेट से काम करवाएगा। तो बेसिकली जो आपने प्लान सेट किया है, जो टारगेट सेट किए हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टिंग फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो बेसिकली डायरेक्टिंग मींस इनिशिएट एक्शन। जो आपने टारगेट सेट करे हैं अब उनको इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए वहां से डायरेक्टिंग के फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, वहां से एक्शन की शुरुआत होगी। मींस ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज डायरेक्टिंग एक मींस ऑफ मोटिवेशन है, यहाँ पर मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, किस तरीके से उनको हर बार मोटिवेट करता है, टाइमली मोटिवेट करता रहता है उनसे एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम निकलवाने के लिए। तो इट इज अ मींस ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस। होगा क्या कि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने के लिए टारगेट्स को इंक्रीज करेगी तो जो सबॉर्डिनेट जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं, जूनियर्स जो काम कर रहे हैं, वो विरोध करेंगे कि नहीं सर, पहले टारगेट कुछ और थे, अब आप इंक्रीज कर रहे हो। तो वहां पर मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्टिंग फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरीके से उनको कन्विंस करेगा, किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि यस, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, एक अच्छे लेवल पर जाएगी, तो उसके फ्रूट्स भी आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस लेवल पर रेगुलर बेसिस पर फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स की जाती हैं ताकि उनको कन्विंस कर पाए मैनेजर सबॉर्डिनेट्स को, राइट, ताकि उनसे एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम निकलवा पाए, ठीक है। तो बेसिकली चेंजेस को फैसिलिटेट कर पाता है डायरेक्टिंग। आगे है ब्रिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्रिएट हो पाती है बिकॉज यहाँ पर मैनेजर सुपीरियर्स सबॉर्डिनेट्स की बात को सुनते हैं, ठीक है, फर्दर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो एक जॉब स्टेबिलिटी की बात आती है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट उनको फील होता है जो लोअर लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, तो एक जॉब स्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, राइट, जब इंस्ट्रक्शंस टाइमली मिलती रहेंगी, गाइडेंस अच्छे से मिलती रहेगी, सो डेफिनेटली वहां पर वो इन्वॉल्व होकर काम करेंगे सुपीरियर के साथ, सबॉर्डिनेट जो है मिलकर काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है, दैट इज इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो ये इंप्रूव प्रोडक्टिविटी और बिंग स्टेबिलिटी ये डिपेंड करता है कि मैनेजर्स की कैसी क्वालिटी है, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से लीड करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज बेसिकली रीजन फॉर डूइंग समथिंग। मैं कुछ कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? अभी कुछ स्टूडेंट सीए करना चाहते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स आगे परस्यू करना चाहते हैं तो उनका टारगेट होगा कि ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर करना है, ट्वेल्थ में यहाँ से अच्छे से बेसिक्स को क्लियर करके आगे चलना है ताकि हमें आगे प्रॉब्लम
ना हो, हम वन शॉट में फाउंडेशन निकाल पाएं, एंट्रेंस निकाल पाएं, फर्दर इंटर को अच्छे से पास कर पाएं। तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो क्या रीज़न है? बिकॉज आपको सीए बनना है, अच्छे लेवल पर अच्छे तरीके से पढ़ के पास होना है, राइट? सो बेसिकली रीजन फॉर डूइंग समथिंग इज मोटिवेशन। इसमें मोटिवेशन के अंदर तीन एस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से मोटिवेशन प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहली बात कि कोई भी इंडिविजुअल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उसकी अपनी कुछ नीड्स हैं, किसी की फाइनेंशियल नीड्स हैं, ठीक है, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस लेना है, किसी को ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करनी है, राइट? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कोई जुड़ा हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट? तो होता क्या है कि हर किसी की इंडिविजुअल नीड को आइडेंटिफाई करते हुए कॉमन इंसेंटिव प्लान डिजाइन करना, कॉमन प्रमोशनल क्राइटेरिया सेट करना, ताकि हर किसी से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम लिया जा सके, दैट इज मोटिवेशन, राइट? तो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि हर इंडिविजुअल का क्या मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। उसके बाद टेक्निक डिजाइन करना, मतलब प्रमोशन क्राइटेरिया, इंसेंटिव प्लान डिजाइन करना, ताकि हर किसी की नीड सेटिस्फाई हो पाए, हर कोई इफेक्टिवली जुड़ पाए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना। आगे देखिए, उसके बाद है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो बेसिकली क्या थे, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, ये फादर माने जाते थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। 1943 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इनका कहना ये था कि हर इंडिविजुअल की जो नीड है वो बेसिक से अपर की तरफ जाती है। पहले हर कोई बेसिक फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बारे में सोचेगा, देन वो फर्दर आगे उसकी नीड्स बढ़ेंगी, रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, स्टेटस के बारे में सोचेगा, राइट? इसके आगे क्या बोला गया कि बेसिकली ये डिपेंड करता है, अजम्पशन मान के चलना, अगर आप नीड हायरार्की थ्योरी की बात करो तो इसके अंदर ये अजम्पशन मान के चलना कि बिहेवियर पर डिपेंड करता है, ठीक है, हर बार जो नीड उसकी सेटिस्फाई होगी उसी से उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसका बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा, राइट? तो आगे देखो, तो अजम्पशन में पहला पॉइंट क्या है, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। उनका बिहेवियर पे, कोई अगर नीड उनकी सेटिस्फाई नहीं होती ना तो वो एग्रेसिवली काम करते हैं, बट नीड सेटिस्फाई होने के बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड वो बिहेव करते हैं। तो पहली अजम्पशन ये थी। उसके बाद बोला गया पीपल नीड्स आर हायरार्कियल इन ऑर्डर, वो हायरार्की ऑर्डर में चलेंगे, हमेशा अपनी बेसिक नीड को पहले सेटिस्फाई करेंगे, देन वो हायर लेवल नीड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद है सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड, एक नीड जो उनकी सेटिस्फाई हो चुकी है, अब वो आगे फर्दर उसी लेवल पर वो मोटिवेट नहीं रह पाएंगे, राइट? जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी को बाइक लेनी थी, उसको बाइक मिल चुकी है, तो वो दोबारा बाइक के बारे में नहीं सोचेगा, दोबारा वो गाड़ी के बारे में सोचेगा, राइट? सो बेसिकली एक नीड जो सेटिस्फाई हो चुकी है, उसके बाद वो अपर लेवल नीड के बारे में सोचता है, ठीक है? उसके बाद है अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की व्हेन लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड। हमेशा जब लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब मैं बाइक की सोच रहा था, बाइक मिल चुकी है, तो अब मैं गाड़ी के बारे में सोचूंगा, अब मेरे को गाड़ी खरीदने का टारगेट है, तो मैं उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करूंगा, वो मेरे को मोटिवेट करती है, राइट? तो ये थी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। चलिए अब आगे देखते हैं कि बेसिकली नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर बेसिकली फाइव नीड्स उन्होंने क्या बताई। सबसे पहली चीज है कि हर इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड्स के बारे में सोचेगा, दैट इज फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। उसके बाद वो सिक्योरिटी की बात करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, जॉब स्टेबिलिटी, राइट, सिक्योरिटी की बात करेगा। इसके बाद है सोशल एफिलेशन, फिर वो बिलोंगिंगनेस, सोशल रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, ठीक है, फ्रेंड्स के बारे में सोचेगा, सोसाइटी के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा कि मेरे को भी वहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिले, लव अफेक्शन के बारे में सोचेगा, केयर, बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचेगा, रिश्ते अपने अच्छे करने के बारे में सोचेगा, ठीक है। उसके बाद है एस्टीम, स्टेटस नीड। स्टेटस नीड के अंदर दो चीज़ें हैं, पहली होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या, मेरी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, मैंने मेहनत करी है, मैंने चीज़ें अचीव करी हैं, तो मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा कॉन्फिडेंस, राइट। इसके बाद है मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं, मेरी अचीवमेंट है, मेरी फ्रीडम, अपनी फ्रीडम के बारे में सोचूंगा, दैट इज इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या, जब मैं रिकग्निशन के बारे में सोचता हूँ कि मेरे को हर जगह मेरा नाम लिया जाए, हर जगह मेरी एडमिरेशन हो, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन हो मेरा नाम लिया जाए, राइट। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो डेफिनेटली आपका नाम होगा, आप डोनेशन देते हो, आप चैरिटी देते हो, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एडमिरेशन मिलेगी आपको, रिकग्निशन मिलेगी, पावर है, स्टेटस है, अटेंशन मिलेगी आपको लोगों की। तो दैट इज एस्टीम नीड्स के अंदर दो है, इंटरनल एक्सटर्नल, आपको पता चल गया। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, अपने आपको आइडेंटिफाई करना और उस चरम तक पहुँचना, उस चरम तक पहुँचना कि जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हो। कहने का मतलब है आपको लगता है कि मैं सीए प्रोफेशन के अंदर कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली अपना बेस्ट दो, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कभी भी सेटिएबल नहीं होती, आप सीए बनने के बाद भी कुछ फर्दर गोल बना लोगे, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब क्या, जो आपके कैलिबर हैं उसमें आप 100% तक जाते हो और फिर उसके बाद और अपने फर्दर टारगेट सेट कर लेते हो, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है, ये हायर ऑर्डर नीड्स होती हैं। ओके, आगे देखिए, उसके बाद आते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करूं तो इंसेंटिव्स आर डिवाइसेस, इंसेंटिव्स आर मोटिवेशनल डिवाइसेस, और वी कैन से मोटिवेटर्स, जो कि एक पिल की तरह काम करते हैं, एक टूल की तरह काम करते हैं मोटिवेट करने के लिए।
इंडिविजुअल्स को, सबॉर्डिनेट्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इसमें दो तरह के आते हैं ब्रॉडली, दो तरह के हैं। पहले मैं बात करूँ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर बेसिकली जो कि मॉनिटरी फॉर्म में होते हैं, जिनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, जैसे कि मैं पे अलाउंसेस की बात करता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करता हूँ, को पार्टनरशिप ओनरशिप की बात करता हूँ। पार्टनरशिप, मेरे को पार्टनरशिप फॉर्म में, मैं पहले एम्प्लॉई था, मेरे को पार्टनरशिप मिल गई। स्टॉक ऑप्शन, मैं कंपनी में काम कर रहा था, मेरे को जो है ईसॉप मिल चुके हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, मैं ओनर की तरह काम कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। बोनस है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर, जैसे कि मैं किसी फैक्ट्री की बात करूँ जहाँ पर क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर अगर 100 यूनिट्स आप बनाते हो तो 10 रुपये पर यूनिट मिलेगा, बट 100 से ज़्यादा बनाते हो तो 200 रुपये, 20 रुपये पर यूनिट देंगे आपको। तो 20 रुपये पर यूनिट देंगे तो डेफिनेटली अब वहाँ पर आप 100 से ज़्यादा बनाने की सोचोगे, इट इज़ ऑल्सो वर्क एज अ मोटिवेशन, ओके। और इसकी मॉनिटरी वैल्यू है। इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पीएफ की बात करूँ, ग्रेचुटी की बात करूँ, ये इंप्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। परक्विजिट्स, अल्टीमेटली मेरे को कुछ बेनिफिट मिल गए, मेरे को कार मिल गई, मेरे को फ्लैट मिल गया, इनकी भी अपनी मॉनेटरी वैल्यू है, राइट। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, राइट। जैसे कि मैं स्टेटस की बात करूं, ठीक है, किसी को प्रमोशन मिल गया, अच्छा अच्छा एक लेवल मिल चुका है, मैनेजर था उसको एएसएम की पोस्ट मिल चुकी है, एसोसिएट सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल चुकी है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, दैट इज स्टेटस। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा, वर्किंग कल्चर है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पर ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जॉब एनरिचमेंट, मेरे को एक फ्रीक्वेंटली मेरी जॉब चेंज होती रहे, मेरे को रिपीटेडली वर्क पसंद नहीं है, मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ। कोई इंप्लॉई होता है जो कि सिर्फ अपने डेवलपमेंट की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, तो वहाँ पर उसको फ्रीक्वेंटली उसकी पोजीशन चेंज की जाती है, ठीक है, दैट इज जॉब एनरिचमेंट। उसके बाद है इंप्लॉई रिकग्निशन प्रोग्राम्स, उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है जॉब सिक्योरिटी, जब मेरे को अच्छा काम मिलेगा, जब मेरा बॉस मेरे से खुश होगा, जब मैं प्रॉपर इंसेंटिव्स विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर सैलरीज टाइम पर मिल रही है, तो डेफिनेटली मेरे को एक जॉब स्टेबिलिटी की फीलिंग आएगी। एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन, मेरे सजेशंस लिए जाते हैं, मैं एज अ एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा हूँ, मेरे सजेशंस लिए जाते हैं कि फर्दर इंप्रूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन। उसके बाद है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में है, ओके। एम्पावरमेंट मतलब बेसिकली डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए उसको पढ़ाया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, राइट। तो ये हैं सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आगे देखिए, लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप इज बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल का, किसी मैनेजर का जो इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर है कि हर परिस्थिति वो किस तरीके से, हर परिस्थिति में वो किस तरीके से सबॉर्डिनेट से काम करवाएगा, दैट इज मतलब मैनेजर जो है क्या करता है, मैनेजर फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली मोटिवेट करता है, टारगेट्स को इंक्रीज कर दिया, चलो कोई बात नहीं ऐसे होंगे, फटाफट मीटिंग में आ जाओ, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करेगा, कोई बात नहीं इसको इस तरीके से कर लेंगे, अपने बेस्ट से बेस्ट अच्छे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, उनको मोटिवेट करेगा हर लेवल पे, हर बार 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 उनको कंटिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलर उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग स्किल है ये, ठीक है। तो इसके फीचर क्या है, एक एबिलिटी पर्सन की जो कि वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा अदर्स के, मतलब सबॉर्डिनेट्स के। इसमें चेंजेस, बिहेवियर में चेंजेस लाने की बात होती है, कि यहाँ पर सुपीरियर जो है हमेशा सबॉर्डिनेट के बिहेवियर में चेंज लेकर आता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, टारगेट्स के बढ़ने पर सुपीरियर से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, सबॉर्डिनेट बोलते हैं अरे फिर टारगेट बढ़ा दिए, लेकिन वहां पर क्या करना है, सुपीरियर को वहां पर उनको मोटिवेट करना है कि डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आपके साथ भी उसके फ्रूट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आपको भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसलिए वो ग्रोथ में जोड़ने की कोशिश करता है। सुपीरियर क्या करता है, कोशिश करता है कि उसको ग्रोथ में जोड़ा जाए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में लगा दिया जाए, रेगुलर मीटिंग्स होंगी, रेगुलर बातचीत करेंगे वो, ठीक है। तो उसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस, एक बार मोटिवेशन प्रोवाइड करके मैं चुप नहीं रह सकता, सुपीरियर क्या करेगा, बार बार फ्रीक्वेंटली बात करेगा, अब कितना हुआ, दो घंटे बाद टारगेट्स पूछेगा, अच्छा अब कितना अचीव हो चुका है, अब कितना अचीव हो चुका है, ऐसा होता है कॉर्पोरेट्स में, ठीक है, एंड ऑफ द डे तक कितना अचीव हुआ, अगर अचीव नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपने तरीके से वो अच्छे से मोटिवेट करेगा, एक्सपीरियंस शेयर करेगा, गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है ऐसा, और यहाँ पर ये बेसिकली रिलेशनशिप है लीडर और फॉलोअर के बीच। उसके बाद है लीडरशिप तीन तरह की होती है, एक होती है अथॉरिटेटिव, एक होती है डेमोक्रेटिक, एक होती है डेमोक्रेटिक और एक होती है लजीज फेयर। अथॉरिटेटिव इज बेसिकली ऑटोक्रेटिक भी इसको बोलते हैं, जिसके अंदर सुपीरियर अपने ओन आइडियाज और जजमेंट पर बिलीव करता है, वो सबॉर्डिनेट्स की कुछ नहीं सुनता, वो सीधा जो है टारगेट्स देता है और उनसे काम लेता है, दैट इज अथॉरिटेटिव। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या, कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स की बात को सुना जाता है फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, अगर कोई कुछ भी इम्प्रूव हो सकता है तो। लजीज फेयर मतलब क्या होता है, फ्री रेन, यहाँ पर क्या होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट को सीधे इंस्ट्रक्शन दे देता है, अपने लेवल पर आप अपने लेवल पर जो है डिसीजन जो भी आपको लेने हैं ले लीजिए, बट एक लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर।
उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज बेसिकली, कम्युनिकेशन मतलब शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब मैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की बात करता हूँ, जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजना चाहता है, जो भी उसके आइडियाज है, जो भी उसका थॉट है, जो उसके आइडिया प्लान चल रहे हैं दिमाग में, उसको वो कुछ वर्ड्स फ्रेम पिक्चर देता है एंड देन उसको कम्युनिकेट करता है, देन उसको मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर बात करें तो सेंडर है, सेंडर मतलब वो पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया है, जिसने मैसेज की शुरुआत करी। उसके बाद वो उसका जो कंटेंट, जो बात बोलना चाहता है, उसको वो इनकोड करेगा, मतलब कुछ वर्ड्स और पिक्चर्स देगा, दैट इज इनकोडिंग। एंड उसके बाद है मीडिया, वो कम्युनिकेट करने के लिए किसी चैनल का यूज करेगा, कॉल करेगा, ईमेल करेगा, दैट इज मीडिया। उसके बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब जिसको रिसीव हो चुका है, अब उसको वो इंटरप्रेट करेगा, समझेगा। समझने को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। रिसीवर इज अ पर्सन जिसके पास वो मैसेज गया, फीडबैक इज बेसिकली जो उसको समझ में आया, अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करेगा कि यस मेरे को ये बात इतनी समझ में आई है, इसमें फर्दर ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज फीडबैक। नॉइज मतलब क्या, कि हर लेवल पर ना कुछ हर्डल्स होंगे, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग वर्ड्स हो सकते हैं, तो मतलब इनकोडिंग में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, समझने में दिक्कत हो सकती है, डीकोडिंग पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, मीडिया में दिक्कत हो सकती है, कॉल पर बात करी नेटवर्क हैम्पर हो गया जिसकी वजह से मैसेज नहीं जा पाया, ठीक है, तो हर जगह हर्डल्स हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, उन हर्डल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉइज। उसके बाद आता है फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होते हैं, फॉर्मली वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या है कि अपवर्ड डाउनवर्ड की बात करता हूँ मैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात करेगा, सबॉर्डिनेट सुपीरियर से बात करेगा। तो जब मैं अपवर्ड की बात करता हूँ, अपवर्ड मतलब जब सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स को रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई लीव्स की परमिशन ले रहा है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड इज बेसिकली सुपीरियर सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है टास्क कंप्लीट करवाने के लिए। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जब सेम लेवल पर जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है कि इस बार प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा, पिछली बार प्रोडक्ट के अंदर ये कमी रह गई थी जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग में रेवेन्यू गिर गया था। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के जो नेटवर्क हैं, पहले बात करता हूँ सिंगल चेन की। सिंगल चेन मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट सुपीरियर, दैट इज सिंगल चेन। मतलब यहाँ पर इमीडिएट सुपीरियर से बातचीत करी जाती है, दैट इज सिंगल चेन। व्हील मतलब क्या, मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मैं ओनर हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैंने टीचर लगा रखे हैं, हर कोई अपने सब्जेक्ट में प्रोफेशनल है, हर कोई अपने सब्जेक्ट में जानता है, महारत हासिल है हर किसी को, वो डायरेक्ट मेरे से बात करेंगे, वो इंडिविजुअली किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से बात नहीं करेंगे, दैट इज व्हील कम्युनिकेशन। सर्कुलर मतलब क्या, कि आप अपने साथी की मदद ले लीजिए, साथी से बात कर लीजिए, साथी की हेल्प लेकर काम ले लीजिए, मतलब जो एडजॉइनिंग है, जो उसका साथी है, उससे बात करके जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो टू एडजॉइनिंग पर्सन जो सेम लेवल पर है उनसे बात करके सर्कुलर उसको बोलते हैं, तो आप अपने काम को सॉल्व करवा सकते हो या फिर कम्युनिकेट कर सकते हो। फ्री फ्लो मतलब कोई भी किसी से बात कर सकता है। इन्वर्टेड वी मतलब ए और बी दो सबॉर्डिनेट थे, उनको कोई प्रॉब्लम थी काम में, वो बी के पास गए, अपने मैनेजर के पास गए, उनके मैनेजर ने उनकी बात नहीं सुनी, तो अब मैनेजर अगर बात नहीं सुना तो वो कहाँ जाएंगे, उसके एसोसिएट सीनियर मैनेजर, उसके एएसएम के ऊपर जाएंगे, मतलब उसका जो सीनियर है उसके पास जाएंगे, तो ऊपर जाके वो उसके भी सीनियर से बात कर रहे हैं, तो दैट इज इन्वर्टेड बी। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ, ए है बी है, इन दोनों को कोई प्रॉब्लम है, ये गए सी के पास, सी इनका इमीडिएट मैनेजर था, इसने बात नहीं सुनी, तो अब ये कहाँ जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे डी के पास जो इसका भी सीनियर है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेसिकली जो कि फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, मतलब चिट चैट करना, घर परिवार की बातें करना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके अंदर ग्रेपवाइन होता है। ग्रेपवाइन नेटवर्क क्या होता है, ग्रेपवाइन इज बेसिकली जहां पर मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहां से ये रूमर फैला है, जहां से ये मैसेज आया है, वो किसने फैलाया है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेपवाइन के अंदर ना डिफरेंट तरह के नेटवर्क होते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला है गॉसिप। गॉसिप मतलब कि नॉन सिलेक्टिव बेसिस में मैं किसी से बात करता हूँ। क्लस्टर मतलब जिसमें मेरे को विश्वास है, मैं उसको मैसेज दे देता हूँ, बट वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर देता है। सिंगल स्टैंड मतलब एक सीक्वेंस में जब चीज़ें फ्लो होती है, पहले मेरे डिपार्टमेंट के अंदर फैलेंगी, तो उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट में फैलेंगी, एक सीक्वेंस में बात फैल रही है। ठीक है, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, मैं रैंडम बेसिस पे किसी से बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये होता है ग्रेपवाइन। यहाँ पर सोर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से कहाँ से मैसेज की शुरुआत हुई। उसके बाद है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब क्या, जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा था उसमें हर लेवल पर कुछ बैरियर्स हैं, मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम हो रही है कम्युनिकेशन में, ध्यान से समझना। तो इसमें बैरियर्स के अंदर बात करूं, सबसे पहला है सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर जहां पर हर्डल्स हैं, जहां पर प्रॉब्लम है एनकोडिंग में, मतलब मैं वर्ड्स और पिक्चर्स गलत तरीके से फ्रेम कर रहा हूं, और या फिर समझने में गलती कर रहा है रिसीवर, समझने में गलती कर रहा है, और जो सेंडर है वो वर्ड और पिक्चर और सिंबल्स गलत दे रहा है अपने कंटेंट को, जो वो बात बोलना चाहता है उनके वर्ड्स उसके गलत हैं, उसका वर्ड्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स गलत है। डिकोडिंग मतलब जहां पर रिसीवर समझने में गलती कर रहा है, तो दो जगह जब गलती करता हूं, दैट इज सेमेंटिक बैरियर।
इसमें क्या हो सकता है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जैसे कि मैनेजर ने सबॉर्डिनेट से पूछा कि इस डेस्कटॉप का पासवर्ड बताओ, उसने बोला सर सॉरी आई कांट टेल यू, और वही उसका पासवर्ड था, ठीक है। तो देख रहे हो ये वर्ड जो है ये वर्ड्स गलत हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि एनकोडिंग में गलती है। उसके बाद सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे कि ब्रिटिश कल्चर के अंदर नॉट बैड बोला जाता है, नॉट बैड बोला जाता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, नॉट बैड, ठीक है, कल्चर में, ये ब्रिटिश कल्चर में है, बट हमारे यहाँ पर गलत सेंस में ले लिया जाता है, हमारे बोलते नॉट बैड मतलब क्या है, एक ओके ओके नॉर्मल परफॉर्मर, नॉर्मल परफॉर्मेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या है, डबल मीनिंग है, तो ये भी एक बैरियर है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, मेरा दूसरी कंट्रीज में ट्रेड है और उनकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, मेरे को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, तो मैंने ट्रांसलेटर अपॉइंट कर रखा है, ट्रांसलेटर से गलती हो गई, उसके स्किल्स में कमी है, वो वहाँ से चीज़ें गलत समझ रहा है और मुझको भी गलत समझा रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसलेशन में गलती है, मतलब कि डी कोडिंग में गलती है। और मैंने बताया था कि डी कोडिंग में अगर गलती है तो वो कौन सा बैरियर है, सेमेंटिक बैरियर है। उसके बाद आता है टेक्निकल जार्गन, कॉर्पोरेट्स में एक वर्ड यूज होता है ईओडी, एंड ऑफ द डे, आई वॉन्ट दिस टास्क कंप्लीटेड टिल ईओडी, मतलब एंड ऑफ द डे तक मेरे को काम कंप्लीट चाहिए, मैनेजर ऐसा बोलता है। इसके अलावा कई ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जैसे कई कई जैसे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट डिजाइनर की बात करूँ तो VPS, क्लाउड सर्वर, SQL इंजेक्शन। अब किसी लेमैन को नहीं आती बातें समझ में, ठीक है, किसी लेमैन को डायरेक्ट आप इस तरह के शॉर्टकट वर्ड यूज करोगे वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। तो ऐसी चीजें भी बैरियर्स क्रिएट करती हैं, मेरे को समझने में दिक्कत आई। अब आता है सेकंड, साइकोलॉजिकल बैरियर, मेंटल लेवल पर मैं दिमाग को बंद करके बैठा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, सामने से कम्युनिकेशन कुछ हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं है। साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर जब मैं बैरियर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो सबसे पहली बात होती है प्री मेच्योर इवेल्यूशन। प्री मेच्योर इवेल्यूशन मतलब क्या, जनरली ऐसा होता है जब काम का प्रेशर बढ़ता है तो एम्प्लॉई छुट्टी लेना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा मैनेजर की भावना है। अब हुआ क्या, मैनेजर सुबह उठता है, ऑफिस जाने ही वाला है, तुरंत ही उसका किसी एम्प्लॉई का मैसेज आया, उसने मैसेज ओपन नहीं करा अभी, उसको सिर्फ नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में नाम दिख गया फलाना एम्प्लॉई है, वो तुरंत समझ गया टारगेट का प्रेशर है, ये छुट्टी मांग रहा होगा, उसने मैसेज ओपन करके भी नहीं देखा, दैट इज प्री मेच्योर इवेल्यूएशन, मतलब उसने अभी मैसेज ओपन करके नहीं देखा बट समझ लिया कि पक्की बात है छुट्टी मांग रहा है, दैट इज प्री मेच्योर इवेल्यूएशन, राइट। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन, मेरा ध्यान कहीं और है, मेरे दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं, असल में कम्युनिकेशन कुछ और चल रहे हैं, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन, वो भी एक बैरियर है। डिस्ट्रस्ट, मेरे को विश्वास नहीं है किसी पर, सबॉर्डिनेट को रेगुलर बेसिस पर टास्क दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं, सबॉर्डिनेट अचीव नहीं कर पाता, तो यहाँ पर सुपीरियर को उस पर डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो ट्रस्ट नहीं करेगा उसकी बात पर, अब वो कोई अच्छा फीडबैक भी देगा ना तो भी उसकी बात को इग्नोर करेगा, दैट इज डिस्ट्रस्ट। विश्वास खत्म हो जाना, विश्वास खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है। आगे देखो, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन और रिटेंशन, ये क्यों होता है, मैं भूल जाता हूँ कोई चीज़ें, मैंने क्या बोला था मैं भूल गया, तो इसलिए क्या किया जाता है, कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में जनरली ओरल कम्युनिकेशन की कोई वैलिडिटी नहीं होती, बोला जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन करो रिटर्न करो, मेल पर करो, ठीक है, मेल पर जो भी कम्युनिकेशन है उनको वैलिड माना जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है क्योंकि मैं चीज़ों को भूल गया। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इसको ध्यान से समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कुछ इस तरह की हैं कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर रही है, जैसे मैं बात करूँ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है, सेंट्रलाइज मतलब क्या, हर छोटे छोटा डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल लेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, अपने अपने लेवल पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने लेवल पर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, छोटे मोटे डिसीजन वो ले सकते हैं। अब मान लो हाउसकीपिंग में किसी को प्रॉब्लम है, हाउसकीपिंग लेवल पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका डिसीजन भी अगर टॉप लेवल ही लेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट है ना, वहाँ का मैसेज वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर कोई होना चाहिए, तो डिसेंट्रलाइज वहाँ पर ज़्यादा बेटर है। आपकी पॉलिसीज कंपनी की कैसी हैं, कॉर्पोरेट की कंपनीज में, कॉर्पोरेट में कंपनीज में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। लोअर लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली टॉप लेवल तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए डिसेंट्रलाइज पॉलिसी होनी चाहिए कि वहां पर उनकी बातों को सुनने के लिए कोई हो, राइट। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बैरियर है। इसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर बोला हुआ है कि कोई वैलिडिटी नहीं है किसी भी ओरल कम्युनिकेशन की, रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर अब कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई और मैंने ओरल कम्युनिकेशन करना पड़ा, मेरे को मैं मेल नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पर वैलिडिटी नहीं है, ओरल आपने किससे क्या बात करी हमें नहीं पता। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली प्रोसीजरल डिले होता है, इसमें मैसेज ट्रांसफर होने में बड़ी, मतलब मेरा मैसेज ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लेगा, राइट, मेरा मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा टाइम पर,
तो इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर मैं किसी से नॉर्मल ओरली कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो उसकी वैलिडिटी नहीं है, राइट। तो ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, वहाँ पर बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या, टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं वो बोलते हैं कि हमारी मेंटेलिटी अलग है, हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हम टॉप लेवल पर पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, और वो सबॉर्डिनेट्स या लोअर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करना यूँ नहीं समझते कि मतलब ये समझते हैं कि अगर हम इनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लेवल पर, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमारी बात कोई समझेंगे नहीं, तो वो अपने लेवल पर आइसोलेट हो जाते हैं, वो सिर्फ पॉलिसी फ्रेम करने पर ध्यान देते हैं या फिर उनसे फीडबैक नहीं लेते, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल पर वो काम कर रहे हैं, आप पॉलिसी तो फ्रेम कर रहे हो, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके सजेशन को लेना इंपॉर्टेंट है फर्दर ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये भी अपने आप में स्टेटस ओरिएंटेड अगर आप हो जाओगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है। अब देखो, अब आगे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, देखो कभी कभार क्या होता है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी एक सबॉर्डिनेट को रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी डिफरेंट मैनेजर्स को, ठीक है, हर तरह का काम वो हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो पहले कौन सा काम करे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है। नंबर ऑफ सुपीरियर्स हैं उसके, वो बात किससे करे, किसका पहले काम करके दे, तो स्मूथ फंक्शनिंग कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज पर भी डिपेंड करता है। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन बॉक्स होते हैं, ग्रीवेंसेस सेल होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉय से, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है कहाँ पर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अगर इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुपीरियर के पास सबॉर्डिनेट्स का कोई फीडबैक नहीं जा पाएगा, कोई सजेशन नहीं जाएगा, तो ये भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बैरियर है। पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर मतलब क्या, इट इज रिलेटेड टू द फैक्टर दैट आर पर्सनल टू द सेंडर और रिसीवर, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज मतलब क्या, अब होता क्या है कि जनरली जो बॉस होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हर लेवल की नॉलेज नहीं हो सकती, राइट। अब कोई आईटी के लेवल पर, मतलब जो उनकी टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहा है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेफिनेटली उनसे वो जल्दी कन्वे नहीं करेगा, उनसे कोई मतलब कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन पास करूंगा और ये मेरे को कोई फीडबैक देंगे तो मेरे को उसकी नॉलेज तो है नहीं, तो वो कितनी अप्रोप्रिएट नॉलेज दे रहे हैं डेफिनेटली उसको बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो उसके वजह से क्या करेगा, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कम्युनिकेशन से बचेगा, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बैरियर है, ये दोनों लेवल पर हो सकता है, सुपीरियर लेवल पर भी हो सकता है और सबॉर्डिनेट के लेवल पर भी हो सकता है। सुपीरियर किस तरीके से हो सकता है, देखो ध्यान से, सुपीरियर के लिए थोड़ा सा फियर ऑफ चैलेंज होगा, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, मतलब उसको ये लगेगा कि मेरी एक रेपुटेशन है, मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है, तो मेरे को अपनी एक रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है। अगर मैं टेक्निकल लोगों से बात करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे अगर वो सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर वो मुझको कुछ बातें बोलेंगे भी तो, और मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाऊँ या मैं कोई सजेशन प्रोवाइड ना कर पाऊँ, तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज की बात है, मेरी इमेज रेपुटेशन की बात है, डाउन हो जाएगी, राइट। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा बैरियर है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन इज सबॉर्डिनेट। कभी कभार क्या होता है कि सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पर विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, बिकॉज पहले उसका कुछ पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो टारगेट्स को मीट करके उसने नहीं दिया है, तो डेफिनेटली अगर टारगेट्स को मीट करके नहीं दिया है तो अब वो अच्छा काम भी करेगा तब भी उस पर विश्वास नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सुपीरियर का सबॉर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है, और वो कोई भी ओपिनियन उससे नहीं लेगा। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स के क्या पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। कभी कभार क्या होगा, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, टारगेट अगर पूरे नहीं हुए तो अपनी गलतियों को दूसरे पर डालेंगे, मेरा टारगेट सर मैच नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज यहाँ से मेरे को रिपोर्टिंग लेट मिली थी, यहाँ से मेरे को एक काम लेट मिला था, इस वजह से काम नहीं हो पाया, या तो ऐसे बोलेंगे दूसरे के ऊपर डालेंगे या फिर क्या करेंगे, बात करना बंद करेंगे, बचेंगे, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। अगर टारगेट नहीं होते हैं तो ऐसी सिचुएशन होती है, या तो दूसरे के ऊपर डाल दो या फिर क्या करो, बचो, बात करने से बचो, दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है, ये भी एक पर्सनल बैरियर है, ओके। उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव मतलब क्या, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात नहीं करते, प्रॉपर सजेशंस नहीं लिए जाते सबॉर्डिनेट्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, इनिशिएटिव लेना बंद कर देंगे, राइट। तो देखो वही लिखा हुआ है, देर इज नो मोटिवेशन फॉर गुड सजेशंस, कोई मोटिवेशन नहीं है अच्छे सजेशन के लिए, सबॉर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट, तो वहाँ पर वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, अपनी तरफ से कोई सजेशन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्सनल बैरियर है फॉर द सबॉर्डिनेट्स। उसके बाद हम किस तरीके से इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, जो बोलने वाले हो उसके लिए क्लैरिफाई होना चाहिए आइडिया, दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, किस
मकसद से बोलने वाला हूँ, एग्जैक्टली आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन को बिगिन करने से पहले, शुरुआत करने से पहले. सेकेंड थिंग इज वॉट, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. वो जिस सेंस में चीज़ों को समझता है उसी सेंस में उसको समझाओ, ठीक है. वो जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठा है उसको उसी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ समझाओ. वो जो सुनना चाहता है एग्जैक्टली उसको उसी लहजे में बात को समझाओ, तभी ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा. कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग. कुछ बात बोलने वाले हो, कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करने वाले हो, तो डेफिनेटली उस कंटेंट को जो आप मैसेज कन्वे करने वाले हो उसको दूसरों को एक बार चेक करवा लो, दिखवा लो कि भैया इसके अंदर कोई फर्दर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या ओके है. उससे होगा क्या कि आपके पर्सनल ओपिनियन के साथ दूसरे के ओपिनियंस भी जुड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बात में वजन हो जाएगा, राइट. उसके बाद आता है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन और कंटेंट ऑफ द मैसेज. रॉन्ग वर्ड्स की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए. किसी भी तरीके से किसी के सेंटीमेंट्स को आप अगर हर्ट करते हो तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर सकता है. तो इफेक्टिव करने के लिए आपको टोन और मैसेज का कंटेंट ध्यान रखना पड़ेगा. लास्ट स्लाइड उसके बाद है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक. मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ही कब होगा, जो मैंने कम्युनिकेशन इनिशिएट किया था उस पर प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए कि मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, या फिर आपका कोई सजेशन है तो फीडबैक जब मिलेगा तभी मेरा कम्युनिकेशन खत्म होगा, ठीक है. तो इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, मेरे को प्रॉपर फीडबैक को इंश्योर करना पड़ेगा. उसके बाद है बी अ गुड लिसनर. रादर मैं एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करें या सुपीरियर सबॉर्डिनेट से आर्ग्यूमेंट करें या सबॉर्डिनेट सुपीरियर से आर्ग्यूमेंट करें, रादर जो बात सही है उसको समझो. बी अ गुड लिसनर, ठीक है. आप अगर गलत हो, सामने वाला अगर अपनी बात को बोल रहा है और उसकी बात सही लग रही है तो उसकी बात को सुनो. रादर अपनी ईगो पर बात ले जाओ और उसकी बात को इग्नोर करो. आर्ग्यूमेंट करो, नो, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी. सही बात को सही रखना है तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, दैट्स इट. चाहे वो किसी का भी सजेशन है, ओके. तो बी अ गुड लिसनर एक इंपॉर्टेंट स्किल है ये, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन फेल ड्यू टू फैक्ट दैट पार्टीज इन कम्युनिकेशन फोकस ऑन आर्ग्यूइंग इंस्टेड ऑफ लिसनिंग. सही बात को सुनने के बजाय आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो इससे कोई भी फाइंडिंग, कोई बेटर सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है. उसके बाद है अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करूं कि मैं किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकता हूं, पहली चीज कि मैनेजर अगर कोई भी टास्क दे रहे हैं, कोई भी टारगेट दे रहे हैं, मेक श्योर प्रेजेंट के बारे में बताते हो, साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में बताओ. देखो ये टारगेट्स ऐसे हो जाएंगे, आने वाले 6 महीने का ये टारगेट है, आने वाले साल का ये टारगेट है, 5 सालों में हम इस लेवल पर होंगे. और अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो आपके साथ भी उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपके साथ भी जो है इंसेंटिव्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, आपको भी प्रॉपर तरीके से इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, पोजीशंस अच्छी मिलेंगी. सो डेफिनेटली वो भी आपकी ग्रोथ में जुड़ जाएंगे. तो दैट इज वॉट कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, ओके. इसके बाद है फॉलो अप कम्युनिकेशन. फॉलो अप कम्युनिकेशन मतलब क्या, आपने इंस्ट्रक्शन पास कर दी, सुपीरियर ने इंस्ट्रक्शन पास कर दी सबॉर्डिनेट को, इससे जरूरी नहीं है कि काम हो जाएगा. रिव्यू करना पड़ेगा काम को जाकर कि एग्जैक्टली कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम हो पाया है, राइट. तो ये वाला पॉइंट है फॉलो अप कम्युनिकेशन. इशूइंग इंस्ट्रक्शन डजंट मीन दैट सुपीरियर विल गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम सबॉर्डिनेट. टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजर शुड रिव्यू द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट. यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पास करते ही जरूरी नहीं है उसी तरीके से काम हो जाएगा. वो तरीका आपको देखना पड़ेगा कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन पास करी थी उस तरीके से काम हुआ है नहीं हुआ. उसके लिए रिव्यू करो काम को, प्रैक्टिकली जाकर देखो क्या हुआ है, ठीक है, तभी आप अच्छे से काम उनसे ले पाओगे. थैंक यू सो मच. ये था मेरा प्रॉपर डायरेक्टिंग का प्रॉपर रिवीजन, क्विक रिवीजन. अच्छे से इस वीडियो को देखना और कहीं भी कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना. और इसकी जो PPT है आपको PDF फॉर्म में लिंक में मिल जाएगी. एंड थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच. जय श्री.